नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूज़, नियमित बहाली में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से NHM कर्मी हो जाएंगे परमानेंट। तो दोस्तों, ये आज की कटिंग है दोस्तों, लेटेस्ट कटिंग है न्यूज़पेपर की, और ये कटिंग आई है दोस्तों कहाँ से, 5 अंक प्रतिवर्ष के अनुभव पर अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, पटना से ये खबर है, राज्य सरकार ने संविदा पर बहाल होकर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों को नियमित बहाली में बड़ी छूट दी है। इसके तहत अगर कोई संविदा कर्मी जिस पद पर काम कर रहे हैं और वे उसी पद पर नियमित बहाली के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिवर्ष किए गए उनके संतोषजनक सेवा के अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज या छूट दी जाएगी। इस तरह संविदा नियोजन के बाद किए गए कार्यावधि के समतुल्य समय की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्र की छूट भी दी जाएगी, और हर साल अगर आप काम करते हैं 1 साल के, तो 5 मार्क्स आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा वेटेज के तौर पर मिलेंगे। निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना जरूरी। दोस्तों, ये भी एक गाइडलाइंस आई है कि हर विभाग के लिए गाइडलाइंस आई है, अगर आप बिहार में जिस पद के लिए संविदा पे काम कर रहे हैं उसी पद की अगर परमानेंट वैकेंसी के अंदर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उम्र और मार्क्स दोनों की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों बिहार से, और इसके अंदर सारे कर्मचारी BTSC के थ्रू परमानेंट हो जाते हैं, स्टाफ नर्स और मेडिकल फील्ड के। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।